बैहर जिला बनाओ संघर्ष समिति के बैनर तले संघर्ष समिति के पदाधिकारी व क्षेत्रवासियों के द्वारा 30 वर्षों के अंतराल में अनेकों आंदोलन प्रदर्शन व रैली निकालकर प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर बैहर को जिला बनाने की मांग की जा रही है। किंतु मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बैहर से छोटी तहसील को जिला बना दिया गया, लेकिन बैहर को जिला नहीं बनाया गया। अभी हाल ही में सरकार के द्वारा मात्र एक तहसील और एक उप तहसील को जोड़कर पांडुरना को जिला बनाया गया, जबकि बैहर पांडुरना से 10 गुना बड़ा है। हर दृष्टि में जिला बनाए जाने के लिए वह योग्य भी है, फिर भी बैहर को जिला नहीं बनाया जा रहा है, जिससे बैहर बिरसा व परसवाड़ा तहसील क्षेत्र के आक्रोशित जनता ने 2 सितंबर को बैहर के गोंडवाना भवन में बैठक लेकर सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि यदि सरकार माह सितंबर में चुनाव के पूर्व बैहर को जिला नहीं बनाती है तो तीनों तहसील के मतदाता चुनाव का बहिष्कार करेंगे। आयोजित इस बैठक के बाद बैहर को जिला बनाने की मांग को लेकर बैहर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय चुनाव आयोग, भारत सरकार व महामहिम राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राज्य चुनाव आयोग मध्य प्रदेश शासन के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने बताया कि बैहर अंग्रेजों के समय में बनाई गई 1867 की तहसील है, जो 155 वर्ष पुरानी तहसील है। जिला नहीं बनने के कारण बहुत ही पिछड़ा है। यह तहसील आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। इस क्षेत्र में गोंड व राष्ट्रीय मानव कहे जाने वाले बैगा जनजाति के लोग निवास करते हैं। यह क्षेत्र जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ है, जिससे यह क्षेत्र अति संवेदनशील है। बैहर जिला नहीं होने से इस क्षेत्र में धीरे धीरे नक्सलाइट अपने पैर पसार रहे हैं। इस क्षेत्र के अंतिम गांव से जिला मुख्यालय की दूरी 160 से 165 किलोमीटर है। जिला मुख्यालय की दूरी अधिक होने के कारण जंगलों और पहाड़ों से गुजरकर जिला मुख्यालय उन्हें आना पड़ता है। इससे जंगली जानवर व नक्सलाइटों का भय बना रहता है। क्षेत्र में वन संपदा, खनिज संपदा व प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। साथ ही एशिया की सबसे प्रसिद्ध कान्हा नेशनल पार्क, जो कि बैहर से मात्र 15 किलोमीटर दूर पर स्थित है, जिससे सरकार को प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए की विदेश मुद्रा भी प्राप्त होती है। परंतु बैहर जिला नहीं होने के कारण यहाँ का राजस्व इस क्षेत्र में ना लगाते हुए दूसरे क्षेत्र में लगाया जाता है, जिससे क्षेत्र विकास की दृष्टि से काफ़ी पिछड़ा हुआ है। बैहर जिला नहीं होने से इस क्षेत्र में शिक्षा, चिकित्सा और न्याय पाने के लिए बालाघाट जिला मुख्यालय उन्हें जाना पड़ता है, जो 160 किलोमीटर दूर है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने बैहर से भी छोटी छोटी तहसीलों को जिला का दर्जा दे दिया गया, जबकि बैहर में 3 तहसील है, 3 उप तहसील है, 2 विधानसभा है, 3 जनपद है, 2 नगरपालिका है, 172 ग्राम पंचायत है, 437 राजस्व ग्राम है, 88 वन ग्राम है, 22 वीरान ग्राम है। बैहर 251,571 हेक्टेयर भूमि पर बसा हुआ है। पूरे देश में राष्ट्रीय मानव का दर्जा प्राप्त बैगा जनजाति के लोग इसी तहसील में निवास करते हैं, जिनकी संख्या लगभग 30,000 है, जो 190 गांव में निवास करते हैं। बैहर क्षेत्र की जनसंख्या लगभग 10 लाख के करीब बताई जा रही है। यह सारी जानकारी शासन प्रशासन को अनेकों बार देने के पश्चात भी सरकार के द्वारा बैहर को जिला नहीं बनाया जाना, बैहर क्षेत्रवासियों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। इसके तहत बैहर जिला बनाओ संघर्ष समिति के माध्यम से विगत 30 वर्षों से बैहर को जिला बनाने की मांग की जा रही है, किंतु सरकार का ध्यान बैहर को जिला बनाने में नहीं है। इसलिए बैठक में यह निर्णय लेते हुए सरकार को बैहर SDM के माध्यम से ज्ञापन देकर चेतावनी दी गई है कि यदि माह सितंबर में विधानसभा चुनाव के पूर्व बैहर को जिला नहीं बनाया गया तो बैहर, बिरसा व परसवाड़ा तीनों तहसीलों में चुनाव का बहिष्कार कर दिया जाएगा। साथ ही 23 सितंबर शनिवार को संपूर्ण क्षेत्र में 2 विधानसभा होने के बाद भी और 10 लाख जनसंख्या होने के बाद भी बैहर को जिला बनाने की तरफ कोई ध्यान नहीं सरकार का। इसलिए आज हम बैठक लेके एक ठोस निर्णय लिए हैं कि यदि सितंबर में मध्य प्रदेश सरकार बैहर को जिला नहीं बनाती तो चुनाव का बहिष्कार करेंगे और संपूर्ण क्षेत्र में, चाहे वो बैहर, बिरसा, परसवाड़ा, संपूर्ण क्षेत्र में जो बैहर जिले के अंतर्गत आते हैं जितने भी बूथ, वो सभी बूथों में चुनाव का बहिष्कार करेंगे और 23 सितंबर को संपूर्ण क्षेत्र बंद रहेगा बैहर को जिला बनाने को।